तट है, गंगा जी में ही अस्थि विसर्जन किया जाता है, तो लक्ष्मण जी ने कहा यही तो रहे, यही मरे और गंगा के तट पर फिर भी नहीं तरे। कहा ऐसा है, राजा सगर की 7,000 पुत्र बोलो गंगा जी कब तक नहीं तार पाई उनको, जब तक राजा भगीरथ का प्रयास, बोलो भाई प्रयास किसका था, भगीरथ का प्रयास था कि नहीं था, गंगा जी तब तक नहीं तार पाई 7,000 बेटों को जब तक भगीरथ ने प्रयास नहीं किया। ये क्या है, लाइट चली गई, लाइट चली गई, चिंता नहीं करना, लाइट ही तो गई, हम तो नहीं गए, हम तो बैठे ही हैं, लाइट ही गई, देखो लाइट फिर आ गई, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मन को लाइट चली जाए, चली जाने दो, हम बैठे रहेंगे तो काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और तुम लोग तो बैठे रहो और बैठे ही हो और आनंद ले रहे हो, बोलो ले रहे हो कि नहीं, इतना आनंद ले रहे हो कि लगता है कि बैकुंठ उतर के आ गया यहाँ धरती पर, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, अब बैकुंठ में बैठे हो क्या, कहाँ जाओगे, नरक में क्या, यहाँ से बोलो बैकुंठ छोड़ के जाओगे कहाँ, बैकुंठ ही में बैठे रहना और छोड़ के जाओ तो नरक में जाओ, हम क्या जाने फिर क्यों भाई, इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है, विशेषता है कि हमने आपको कहाँ बैठाला है, बोलो जल्दी, बैकुंठ, बैकुंठ में बैठाला। अच्छा तुम जाओगे ज्यादा से ज्यादा कहाँ, घर ही तो जाओगे, कहाँ जाओगे, घर ही जाओगे, घर जाओगे ना, हिंद महासागर में जाओगे, कहाँ जाओगे, अरे घर ही तो जाओगे, जब घर जाओगे तो बैकुंठ से अच्छा तुम्हारा घर है क्या, हमारी समझ में तो नहीं है, और जब बैकुंठ से अच्छा घर है तो खूब जाओ, हमको दोषी मत ठहराना, हम तो तुम्हें बैकुंठ में बैठा ले हैं, और बैकुंठ में बैठा ले ही नहीं है, यहाँ की तुम्हें नागरिकता भी दे रहे हैं, ये हमारा शब्द हस्ताक्षर है, और याद रखना ये हस्ताक्षर जानते हो, तुम्हारी उपस्थिति केवल इस पांडाल के अंदर नहीं है, बैकुंठ में भगवान के रजिस्टर में तुम्हारी उपस्थिति हो रही है, मेरा एक एक शब्द सिग्नेचर चल रहा है, विश्वास की बात है, किसकी बात है, विश्वास की बात है, और घर में क्या रखा, घर में क्या रखा है बोलो, घर में बस तू तू मैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्यों भाई घर में तू तू मैं के अलावा कछु हो तो बता दो जरा जल्दी, है तू तू मैं होती कि नहीं होती। एक सज्जन बोले महाराज हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि हम साधु बन जाते तो ठीक रहता, गृहस्थी में बने तो नरक ही हो गया, हमका क्या नरक हुआ, क्या नरक हुआ, बोले पहले बड़ा शौक लगा कि शादी हो जाए शादी हो जाए शादी हो जाए, और शादी होके आई तो ऐसा लगा कि वास्तव में शादी से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, हमने कहा कैसे लगा, बोले पत्नी जब प्रथम बार मुझसे बोली तो यही बोली कि परमात्मा से भी ज्यादा मैं आपको मानती हूँ, इस संसार में मेरी दृष्टि में केवल तू ही तू, तो मैं बड़ा आकर्षित हुआ, मैं इतना आकर्षित हुआ कि गजब गजब संसार में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि बोली तो ऐसा बोली तू ही तू तू ही तू। वो बोले महाराज जब दोबारा आई मायके से लौट के तो उसकी भाषा बदल गई, मैंने कहा क्या बदली, फिर दोबारा जब मायके से लौट के आई तो बोली संसार में केवल दो ही हैं, मैं और तू, तू और मैं। बोले तो भाषा बदल गई उसकी, दो हो गए। और बोले महाराज जब तीसरी बार मायके से लौट के आई तो फिर तो तू तू मैं तू तू मैं, अब तो जिंदगी नरक ही हो गई, जिंदगी नरक हो गई। ईमानदारी से बताओ यहाँ पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं, आवार वृद्ध नर नारी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे जितनी समस्याओं से घिरी तुम्हारी जिंदगी क्यों ना हो, लेकिन जब तक तुम संतों के सामने कथा सुनते रहोगे समस्या का समाधान मिलता रहेगा और बैकुंठ का अनुभव होगा तुम्हें, बैकुंठ की अनुभूति होगी तुम्हें। बोलो इससे बढ़िया स्थान संसार में कहाँ है बैठने के लिए, इससे बढ़िया स्थान तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं नरक में जाने की जरूरत नहीं है, डटे रहो यहीं बैठे रहो। और देखो एक बात बढ़िया सुना रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपके मतलब की भी है माताओं, ध्यान से सुनना, बहन बेटियों बहुत ध्यान से सुनना, आपके मतलब की भी बात, आप सबके मतलब की बात, बड़ी सरल सरल से सरल बात बता रहा हूं और आपको बड़ा आनंद आएगा, सरल से सरल क्या है जरा सुनते जाना। केवट ने कहा मेरा एक भागीरथी प्रयास, क्या प्रयास,
कि मैं पुरखों के नाम पर आपके चरण पखारूंगा, फिर मैं उसी जल से तर्पण करूंगा। तो तर्पण करूंगा तो ये चरणों तक कहां पहुंचेगा? पितरों के पास पहुंचेगा कि नहीं? तो मेरा विश्वास है कि मेरा प्रयास सफल हो जाएगा, और जैसे ही पितरों के पास पहुंचेगा ये चरणों तक, तो निश्चित रूप से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। वो कहीं भी होंगे मोक्ष अवश्य मिलेगा। इसलिए पितर पार करी प्रवही पुनि मुदित गयोले पार। बोलो अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आया? अब एक बात और सुन लो आगे की, बहुत बढ़िया बात। केवट कहता है सरकार थोड़ा सा आगे बढ़े, और जैसे ही भगवान पहुंचे नाव के समीप, तो किशोरी जी से कहा जानकी अब तुम बैठो, पहले बैठो। नियम यही है, कभी भी बाहर जाओ, ट्रेन से यात्रा करनी है स्टेशन पर पहुंचो, पहले पत्नी को चढ़ाओ, फिर सामान चढ़ाओ, तब बाद में खुद चढ़ो। समझ गए कि नहीं? ये नहीं कि पहले खुद चढ़ गए, सामान चढ़ गए, ट्रेन चल गई, पत्नी प्लेटफार्म पर खड़ी, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? इसलिए नियम यही है। भगवान राम ने जानकी जी से कहा कि नाव में बैठो, बैठो नाव में। जानकी जी ने कहा ठीक। और जैसे ही किशोरी जी चरण रखने लगी नाव में, तो केवट बोला सरकार नाव है, हाँ विश्वास मेरे ऊपर आपका है? हाँ हाँ कंफर्म विश्वास है। ठीक है, तो विश्वास पूरा कर लिया? कहा कंफर्म, तो विश्वास होता ही है। बस में बैठो, कंडक्टर पर विश्वास करोगे कि ड्राइवर पर? जल्दी बोलो, कंडक्टर टिकट काटने वाले पे कि ड्राइवर पे? ड्राइवर ही पे करोगे कि 70-80 सवारियां सब इसी के अंडर कस्टडी में है, कंफर्म है? तो कहा कि नाव चलाने वाला जो होता उसी पर विश्वास किया जाता। कहे ठीक सरकार, आप हूं तो बैठो। हाँ बैठ रहा हूँ। स्वयं बैठे लक्ष्मण से कहा बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बोले जब आप ही दोनों बैठ गए तो हमें तो बैठना ही पड़ेगा। बैठ गए पूरा परिवार नाव में, भगवान का पूरा पर्सनल परिवार कहाँ बैठा है? नाव में बैठा है। केवट ने पतवार ले ली, दृश्य क्या है प्यारे, पतवार ले ली, और जैसे ही नाव को चलाने लगा और नाव बीच गंगा में पहुंची जहां गहरा जल था, वहीं इसने पतवार छोड़ दी। बोले भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। लक्ष्मण जी बोले भूल हम लोगों से हुई जो विश्वास में बैठ गए, ये थोड़ी जानते थे कि तुम बीच मझधार में पतवार छोड़ दे, भूल हो गई, भूल हो गई, फालतू की बात क्यों करते हो? दो तीन घंटा वहां लगाए गंगा के तट पर नचाते रहे, और यहाँ भी पतवार छोड़ के भूल हो गई, भूल हो गई, पूरी फैमिली बैठी हुई है यहाँ, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, जल्दी उठाओ पतवार, पार करो। केवट बोला क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, भूल हो गई। भगवान बोले भूल क्या हुई? भूल ये हुई कि सारे संसार को आप पार करते हैं, मैं कितना मूर्ख हूं आपको पार कर रहा हूं। भूल हो गई, भूल हो गई, पतवार छोड़ दी उसने। लक्ष्मण जी बोले मैं धनुष बाण उठा रहा हूं, मरता क्या ना करता। और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो केवट भगवान के चरणों में लेट गया, नावल में लेट गया, अभी तो बैठा था। देखो कोई अगर वार करे तो तुरंत ही लेट जाओ, तो बचने का एक तरीका होता, होता कि नहीं होता? जैसे कोई बंदूक से बाण से जिससे भी वार करे तो बचने का पहला तरीका क्या है? लेट जाओ। और लेट जाओ, केवट लेटा भी है, गंगा जी की गोद में लेटा है और भगवान के चरणों में लेटा है। बोलो भाई, मतलब जिंदगी में फायदा और मरने में फायदा, दोनों में फायदा ही फायदा है, बोलो है कि नहीं? ऐसा स्थल है, लेट गया भगवान के चरणों में। लक्ष्मण जी ने कहा उठ कर बैठो, लेटे लेटे क्या कर रहे हो? केवल बोला लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, नाव कौन चलाएगा जब तुम लेट जाओगे? तो केवट बोला राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो लेटे लेटे? बोले हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम तो भगवान के विश्वास पर है आनंद ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बोलो भाई विश्वास है कि नहीं भगवान के प्रति? बोलो पूरा समर्पण। केवट ने पत्नी पे विश्वास किया कि पुत्र पे विश्वास किया कि जमीन जायदाद पे विश्वास किया कि नाव पे विश्वास किया कि पतवार पर विश्वास किया, केवल उसने परमात्मा पर विश्वास किया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परि उपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं।
वहां में हम भगवान के चरणों पर विश्वास, भगवान के चरणों में लेट गया, युवक थे हम वहां में हम। बोलो इससे बढ़िया समर्पित भक्त कोई होगा दुनिया में जो विश्वास किस पे कर रहा है? परमात्मा पे विश्वास कर रहा है। भगवान ने कहा फिर भी लीला जगत में पतवार केवट के हाथ में होनी चाहिए, तुम केवट हो, क्योंकि मैंने तुम्हें केवट घोषित किया है, मैंने किया घोषित केवट। और जब मैंने केवट घोषित कर दिया है तो मैं चाहता हूं कि पतवार तुम ले लो, पतवार खाली नहीं रहनी चाहिए। केवट बोला अगर नहीं पकड़ेंगे पतवार तो? लक्ष्मण जी बोले नाव भंवर में चक्कर काट रही, थोड़ी देर में प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि जितना भी जल है गंगा जी का वो सब नाव में आएगा और नाव डूबेगी। केवट बोला चक्कर काट रही है? लक्ष्मण जी बोले हाँ देख रहा हूं चक्कर काट रही है। केवट बोला लक्ष्मण जी देख रहे आप भी तो देखो काट रही है चक्कर क्यों? भगवान बोले हम भी देख रहे हैं चक्कर काट रही है, चक्कर काट रही है, चक्कर काटने से क्या होता है प्रभु? केवट बोला भगवान बोले घबराता है बैठने वाला और क्या होता है? घबराता है जो नाव में बैठता, नाव चक्कर काटने लगे भंवर में फंस के तो बोलो बैठने वाले क्या करते हैं? बैठने वाले क्या करते हैं? मतदान करते हैं। अरे बैठने वाले घबराते हैं, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? बोलो भाई जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते हैं का घबराते हैं? केवट बोला आप भी घबरा रहे हो ना? केवट ने कहा हम जैसे जीवों को 84 लाख मुनियों में चक्कर कटवाते हो, हम लोगों पे क्या बीतती होगी? अनुभव किया कि नहीं किया? भगवान बोले किया, अभी तक नहीं किया था लेकिन आज अनुभव हो गया कि चक्कर